So these are all the weapons over here. मैं आप लोगों को सही बताऊं तो मैं अपना वेपन चूज कर चुका हूं. This is Astra Constable model. हाँ. ये वेपन बाजार में देखने को मिलता ही नहीं. हाँ. Guys, you just have to look at this. बहुत ही अमेजिंग चीज है. और इसका प्राइस मैं आपको बताऊं तो भैया ने जब मेरे को बताया एक स्कॉर्पियो एन आ जाएगी टॉप मॉडल. सिद्धू मूसेवाला वीर था भाई के पास भी सेम 1911 ही थी. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो. जगह देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं किस जगह पर हूँ. बहुत टाइम से हमारी टीम का क्या डिमांड करती थी, वेपन्स पे व्लॉग नहीं आया एंड कोई भी नए वेपन से रिलेटेड या फिर कोई शूटिंग से रिलेटेड आपने वीडियो नहीं डाला. और फाइनली भाई आप लोगों को पता है जो हमारे पुराने व्यूअर्स है कि हमने रिवॉल्वर रखी हुई थी उसकी सेल परमिशन लगा रखी थी, तो वो सेल परमिशन आ चुकी है. रिवॉल्वर हम बेच चुके हैं और अब टाइम आ चुका है अपना नया वेपन लेने का. तो आज है वो शुभ दिन जिसमें हम आए हैं अंकित भाई के पास. सारे हम जो भी गन से रिलेटेड काम होते हैं हमारे अंकित भाई हमारे लिए करवाते हैं, एम्युनिशन से लेकर वेपन से लेकर सब कुछ. और आज फाइनली द डे इज हियर व्हेन आई एम गोइंग टू बाय माय न्यू पिस्टल. आई एम सुपर एक्साइटेड. एंड अंकित भैया ने अभी आपने देखा होगा इस पिछले फ्रेम में कितने सारे ऑप्शंस टेबल पर रखे हुए हैं. सो लेट्स सी व्हाट अंकित भैया हैज इन स्टोर फॉर अस. वी आर एट अंकित गन हाउस इन बालीनगर एंड ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट गन हाउसेज इन द सिटी इन दिल्ली. एंड बहुत अच्छी सर्विस है भाई की. मेरे बड़े भाई भी है उसके अलावा बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट है. एंड कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी ऑड टाइम पे मैं भैया को फोन करता हूँ, नेट पर कुछ देखता हूँ कि भैया यार ये चीज कैसे होगी ये चीज ऐसी है, तो हर चीज में गाइड करते हैं हर चीज में हेल्प करते हैं मेरे को. एंड आई हैव कम अ लॉन्ग वे विद माय ब्रदर. और हमारे साथ हमारा श्रेजोन भाई भी आज जिसको आज बड़े टेढ़े मेढ़े वेपन देखने को मिले तो बड़ा खुश है आज. और मैं एक चीज और भाई वीडियो शुरू होने से पहले बोलना चाहता हूँ, जितने भी सामने मेरे टेबल पर वेपन्स हैं ये सारे खाली हैं. हमारे इस टेबल से दूर दूर तक तो कहीं भी एम्युनिशन नहीं पड़ी है, एम्युनिशन भैया के लॉकर्स में पड़ी है. सो ऑल द वेपन्स हैव बीन सेफ्टी चेक. उसके अलावा वी आर इन अ सेफ एनवायरमेंट, वी आर इन अ गन हाउस. और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ गाइस कि ये वीडियो सिर्फ फायरआर्म से रिलेटेड सही नॉलेज देने के लिए बनाया जा रहा है. इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो सही नॉलेज पास ऑन करना है. ये किसी भी तरीके की शो ऑफ या किसी भी तरीके की हवाबाजी के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है. तो जो हमारी ऑडियंस में से सही नॉलेज गेन करना चाहते हैं रिलेटेड टू फायरआर्म्स एंड जिनको सही समझ है गन सेफ्टी की वही लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें. एंड जो वेपन्स को एक हवाबाजी का जरिया समझते हैं या कुछ ऐसी चीजें समझते हैं वो लोग इस वीडियो को प्लीज आगे ना देखें. वैसे लोग हमें अपने ऑडियंस में चाहिए भी नहीं है. सो दिस वीडियोस मेन पर्पस इज कि मार्केट में क्या क्या वेपन्स अवेलेबल है इंडियन गन लवर्स को एंड इंडियन वेपन बायर्स को, अपकमिंग बायर्स को सही नॉलेज मिल सके कौन कौन से वेपन्स मार्केट में अभी हैं, कौन कौन से आगे नए आ रहे हैं, कौन कौन से एंटीक वेपन्स अवेलेबल है. बहुत सारे तगड़े तगड़े वेपन्स आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं. सो मेक श्योर यू गाइस वॉच द होल वीडियो एंड वीडियो देखने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को सारे अपने वेपन एंथुसियास्ट से शेयर कर देना. तो अब वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइस सामने मेरे भैया ने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को सही बताऊं तो मैं अपना वेपन चूज कर चुका हूं. एंड हम आते ही सारा पेपर वर्क वगैरह कर चुके हैं. जो मैंने वेपन खरीदा है भैया से वो इस वक्त वहां पर पड़ा. उत्सव अभी इतनी जल्दी नहीं दिखाना, पहले दिखा देते हैं मार्केट में क्या सब अवेलेबल है फिर अपना वेपन भी रिवील करेंगे. क्योंकि मेरे को पता है मेरे से ज्यादा मेरी टीम का क्या एक्साइटेड थी. मेरे को अंकित भाई इतने कमेंट्स आते थे कि भैया आपका भी अपनी रिवॉल्वर बेचोगे, कब नया वेपन लोगे, कब वीडियो आएगा. तो फाइनली द वीडियो इज हियर. तो पहले अंकित भैया आपके पास एंटीक वेपन्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हमें बताओ. दीज आर वेपन्स जो हमारे पास मार्केट में बहुत टाइम्स सेवरल टाइम्स से अवेलेबल थे. अब इनके कुछ अलग डिफरेंट ऑप्शंस भी है बट ये आज भी मार्केट को रूल कर रहे हैं. एग्जैक्टली इनका मुकाबला ये वाले दूसरे वेपन्स नहीं कर सकते हैं. बट फिर भी इंडिया ने काफी कोशिश करी है, काफी हद तक इनके तक पहुंच चुके हैं. थोड़ा और टाइम है और मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ्स के गैप के अंदर जो छोटी मोटी कमी आ रही है इन सब वेपन्स में वो भी दूर हो जाएगी. एक दिन इम्पोर्टेड वेपन से भी बेटर क्वालिटी बनाएंगे भाई. मेक इन इंडिया तो मेक इन इंडिया है और एवरीवन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. बट फिर भी आज की डेट में इनका मुकाबला नहीं हो सकता है. फ्यूचर में 6 मंथ डाउन द लाइन हम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि जो भी इनके अंदर ग्लिचेस आ रहे हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाए. अंकित भैया बीइंग अ वेपन एंथुसियास्ट अभी आपने मेरे सामने इतनी क्रेजी कलेक्शन रखी है, हम इन पर आएंगे गाइस. बट एज अ गन ओनर आप थर्ड जनरेशन गन हाउस ओनर है ठीक है, तो आपसे ज्यादा नॉलेज तो मेरे को नहीं होगी. बीइंग एन एंथुसियास्ट मेरे को जितनी भी है आपको उससे 10 गुना ज्यादा होगी. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इज इट द राइट टाइम टू बाय एन इंडियन वेपन. अगर आप मेरी जगह बायर होते क्या आप इंडियन वेपन पसंद करते या फिर आप एक इम्पोर्टेड वेपन पसंद करते. एंड माइंड यू गाइस एक क्लॉज है, इंडियन वेपन में आपको ब्रांड न्यू वेपन मिल जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री. बट जो आपको
इम्पोर्टेड वेपन मिलेगा मोस्ट केसेस में, वो आपको यूज्ड मिलेगा एंड बिफोर 1986 मिलेगा, क्योंकि एक रूल है वो 1986 में जो अमेंडमेंट आया था आर्म्स एक्ट में, उसके बाद इम्पोर्ट बंद हो गया था। तो जितने भी 90% आपको इम्पोर्टेड वेपन्स मिलेंगे वो आपको 1986 से मिलेंगे, अनलेस आप किसी शूटर से बाय कर रहे हो। That is correct, but आज भी इंडिया के अंदर कई ऐसे वेपन हैं जो 1986 से पहले से इंडिया में आए हुए हैं और उसमें से एक भी नहीं चली। आप ही ने मुझे दिखाया। उसमें से एक एग्जांपल ये पिस्तौल है। This is Astra Constable model। ये वेपन बाजार में देखने को मिलता ही नहीं। मैंने खुद पहली बार देखा है ये। दिस इज अ वेरी यूनिक वेपन और एस्ट्रा कंपनी ने भी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बहुत लिमिटेड पीसेस बनाए हुए। अच्छा। और इस कॉन्स्टेबल मॉडल के अंदर दो कलर्स आते हैं, एक ये ब्लैक फिनिश में आता है, एक ये सिल्वर फिनिश में आता है। तो ब्लैक फिनिश तो फिर देखने को मिल जाता है, बट दिस फिनिश इज इवन मोर है। Can I have a look here? Yeah, yeah, for sure. Guys, मैं गन सेफ्टी के सारे रूल्स का ध्यान रखूंगा, इवन दो द वेपन इज एम्प्टी, मैं दीवार की तरफ ही पॉइंट करके रखूंगा इसको। बट गाइज जस्ट चेक इट आउट द फिनिश यार, बीइंग सच अ ओल्ड वेपन, आप देख रहे हो कि कितनी साफ कंडीशन में है। इवेंचुअली ये है 1986 से पहले, बट कभी फायर नहीं हुआ। दिस इज नॉट एट ऑल, मतलब कभी इसकी मैगजीन के अंदर जो बंदा लेके आया उसने बुलेट भी नहीं डाली। अच्छा जी, मैं खोल के मैगजीन देखूं। बिल्कुल देखो। अरे वाह, नाइस यार, बढ़िया, बहुत ही मेरे को अमेजिंग लगी ये तो। ऐसा ही एक और वेपन मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबको। हाँ। ये देखो, आज मेरे अंदर का गाइस गन एंथुसियास्ट बहुत खुश है, क्योंकि मेरे सामने इतनी क्लीन कंडीशन में स्मिथ एंड वेसन का रिवॉल्वर है। इसमें जो बंदा लेके आया था उसने इसके ऊपर ग्रीस लगा के रख दिया था, एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी 4-5 डेज पहले ये मेरे पास आया है, तो उसकी ग्रीस मैंने साफ कर ली। अच्छा, मैं एक चीज से बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ कि द गाय हैड द ओरिजिनल बॉक्स आल्सो, स्टिल स्मिथ एंड वेसन का ओरिजिनल बॉक्स है, एंड ये 1986 से पहले का है, और आप देख सकते हो इसमें। अच्छा, इधर जो सब लिखा हुआ वो भी लिखा हुआ, बैरल 2 इंचेस, स्टॉक, जो नंबर इस रिवॉल्वर के ऊपर है वो नंबर इस बॉक्स के ऊपर भी है। This box has value, जब इन दोनों का number match करता है। इन्होंने ये तक लिखा हुआ blue finish है and model 30 है, 2-inch barrel है, सब information side में displayed है। Highly impressed भैया, and look at the condition of the revolver यार। Guys, I wish मैं घुमा के आपको दिखा पाता। श्रेय, तू थोड़ा सा अगर यहाँ से हटेगा तो भाई हट गया। अब मैं इस तरफ को वेपन घुमा सकता हूँ, क्योंकि इस तरफ कोई भी नहीं है, इस तरफ दीवार है, तो मैं आपको साइड से ये लुक दिखा सकता हूँ। गाइज, इट इज अमेजिंग सीरियसली। चेक आउट द ब्लूइंग यार, इतना पुराना वेपन भैया। ये ब्लूइंग ना, ये जो क्वालिटी है, ये आज के वेपन में भी ये क्वालिटी नहीं है कि इतने 50-50 साल बाद ना जिसे। अमेजिंग, मैं एक बार उस तरफ मोड़ के दिखाता हूँ। ये देखो, द ब्लूइंग इज अमेजिंग गाइज, इट इज अ स्क्रैचलेस पीस। अब ऑब्वियसली गाइज आप लोग सोच रहे होगे कि ये कितने का है एंड ये प्राइसिंग वगैरह आप इसकी वजह से जानना चाह रहे होगे, बट ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस हम इसमें प्राइस मेंशन नहीं कर सकते, नहीं तो यूट्यूब इस वीडियो को टेक डाउन कर देगा। सो वी वोंट मेंशन द प्राइस और एनीथिंग, बट दे आर एक्सपेंसिव। अगर गाड़ी के टर्म्स में बात करें तो भैया स्विफ्ट जितने प्राइस का तो होगा, प्राइस हम डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते, बट मैं बता देता हूँ स्विफ्ट के आसपास इसका प्राइस होगा। बट मैं सुन के हैरान हो गया हूँ। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, मैं इसको वापस रख देता हूँ। ये चीज गाइज, यू जस्ट हैव टू लुक एट दिस, बहुत ही अमेजिंग चीज है। इसका प्राइस मैं आपको बताऊं, भैया ने जब मेरे को बताया एक स्कॉर्पियो एन आ जाएगी टॉप मॉडल, आई स्वेयर उससे भी महंगा। स्कॉर्पियो एन के बाद भी आपके पास बहुत मॉडिफिकेशन के लिए पैसे बच जाएंगे, उतने की ये छोटी सी ये पिस्टल है। एंड भैया क्या मॉडल होगा ये, लाइक व्हाट ईयर दिस मस्ट बी, क्या ईयर होगा? दिस वुड बी समवेयर अराउंड 1980s में बना हुआ होगा। हमारे इफ आई टॉक अबाउट इंडिया तो बहुत रेयरली अवेलेबल पीसेज है। इस कंपनी का नाम डेविस इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज है इसकी। हाँ। उसमें इसका जो बाइफिकेटेड कंपनी है उसका नाम है टिम डेविस। ओके। तो ये डेविस का 0.22 कैलिबर का पिस्टल है। इसमें दो गोली आती है एंड दिस इज द ओनली पिस्टल। आप एक बार ही आप इसको हैमर को पुल करेंगे, हैमर को पुल करके ये दोनों गोली एक साथ चल सकती है। क्या बात कर रहे हो, एक बार में दो गोली फायर मारेगा। गाइस जस्ट लुक एट द क्रोम फिनिश इस पे यार, इतना पुराना वेपन होने के बावजूद भी मतलब क्या इसकी फिनिशिंग है। एंड मैं एक बार हाथ में रख के दिखाना चाहूंगा इस वेपन का साइज। अगर मेरे हाथ देखो, वैसे तो आई हैव वेरी बिग हैंड्स, आप एक बार देखो इस वेपन, इतना छोटा सा वेपन है। एक बार इसको मैं आपको लोड करने का तरीका दिखा देता हूँ। इस तरफ को यहाँ पर एक इसमें लीवर है, ये देखो, आप इसको ऐसे करो एंड यू लिफ्ट दिस अप। 0.22 LR डलेगी इसमें, 0.22 LR डलेगी जो कि अपना स्पोर्ट्स कैलिबर है, और ये लॉक एंड रेडी टू गो। बस फिर इसको आप इसका हैमर है, हैमर एंड देयर इज नो ट्रिगर गार्ड एंड नो सेफ्टी ऑब्वियसली, बहुत पुराना वेपन। सेफ्टी है क्या बात कर रहे हो, कहां सेफ्टी लॉक मुझे दिखाई नहीं, एवरीथिंग इज हिडन। और ये इसका हैमर है, हैमर को नीचे करेंगे, ये इसका सेफ्टी लॉक। अच्छा, ये बटन है, ये बटन अगर इसमें भी सेम कॉर्डन लॉक, एग्जैक्टली हम इस साइड कर देंगे तो ये लॉक हो गया। अच्छा, फायर नहीं करेगा, फायर नहीं करेगा। हां, जब हमने इसको
फायर करना है, हम इस साइड से इसको ऐसे पंच करेंगे, अब ये फायर करेंगे। गाइज कई बार जैसे वीडियो बनाने के टाइम पर कभी अपने हाथ की तरफ बैरल पॉइंट हो सकता है, कभी इधर उधर बैरल पॉइंट हो सकता है। सिंस वी आर डॉक्यूमेंटिंग दिस, सो माइंड यू कि ऑल द वेपन्स आर एम्प्टी, कोई भी बुलेट नहीं है आसपास, इस टेबल तक दूर दूर तक कोई बुलेट नहीं है, एंड हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बैरल हम बिल्कुल दीवार की तरफ ही रखें। बट सिंस हम इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कैमरा वर्क साथ में हो रहा है, तो कई बार हमें अपने हाथ की तरफ बैरल करना पड़ सकता है, उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। वी आर सच पीपल जो गन सेफ्टी को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, एंड वो जिस तरीके से हम वेपन को हैंडल कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। इन केस भैया मैंने एक बार एड्रेस कर दूंगी, कोई बोले आपने बैरल अपने हाथ की तरफ कर दिया या कुछ, बट दिखाना पड़ेगा तो हमें इधर उधर मोड़ना ही पड़ेगा उसको। बट आई एम हाईली इंप्रेस्ड, एंड एक चीज जिससे मैं इंप्रेस्ड नहीं हूं, सिंस आई एम एन एनिमल लवर, जो इसकी ये आइवरी, ये दिस इज नॉट आइवरी, दिस इज पर्ल, पर्ल फॉर रियल, फॉर रियल, बट हाईली इंप्रेस्ड विद दिस, एंड सीरियसली गाइस इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बस इतना ही बता पाऊंगा मैं। यहां पर वापस रख देता हूं भैया। नेक्स्ट चीज, ओहो गाइस मेरे अंदर का वेपन एंथुसियास्ट ना आज इतना खुश है ना, एक बार इस पे जो ये एनग्रेविंग हो रखी है ये देखो, दिस इज एन ओरिजिनल वेबले रिवॉल्वर 0.32 में, मेड इन इंग्लैंड, या दिस इज मेड इन इंग्लैंड वाला वेबली, नॉट मेड इन इंडिया वाला। ये एनग्रेविंग भी वेबली से तो नहीं होके आई होगी? नो, वेबले इंग्लैंड ने रिवॉल्वर ही ऐसा निकाला था। ये दिस इज नोन एज वेबले डीलक्स मॉडल। ओके, ये जो हमारे इंडिया में पहले के राजा महाराजा वगैरह होते थे, ये स्पेशली ऑन ऑर्डर बुकिंग देते थे, अलग से इंग्रेविंग करने के और ये सारे काम करने के पैसे देते थे, तो उनके लिए अलग से ये स्पेशली ऑन ऑर्डर बन के आता था, तो ये उस टाइम का वेपन है। बट मशीनिंग और भैया क्रोम फिनिश, मतलब मैं बार-बार बोलता हूं, मैं एक ऐसा सीजन्ड गन ओनर हूं, सीजन्ड शूटर हूं, मैंने बहुत सारे वेपन्स देखे हुए हैं, बट जो ये पुराने वेपन्स की जो क्वालिटी होती है ना, आप देखो एक बार क्रोम, मतलब ना कहीं से घिस रहा है, ना कहीं से फेड हो रहा है, यानी कितना लोगों ने अपने होल्स्टर में रखा हुआ, कितना इसको यूज करा होगा, कितने इससे फायर हुए होंगे। अनयूज्ड वेपन है ये, भी अनयूज्ड है, ये भी अनयूज्ड वेपन है, तभी ये इतनी साफ साफ कंडीशन वाले भैया बाहर निकाल के रखे। एक बार ऐसे हमारे पास बहुत है, बट ये मैंने आपके लिए स्पेशली आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये लिमिटेड 4-5 पीसेस निकाल के रखे। ये भी गाइस लोड करने के लिए ऐसे लोड करना पड़ता है जैसे हमारे IUF के रिवॉल्वर्स होते हैं, सेम वो इसी की ही IUF ने रेप्लिकास बनाई हुई हैं। ये वाला मॉडल भी इंडिया में भी आ रहा है, मेड इन इंडिया, आई मीन इनफैक्ट वेबली वर्ल्ड वाइड से कहीं भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, सिर्फ क्लॉथिंग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एग्जैक्टली, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड थिंग, बट रियली नाइस रिवॉल्वर भैया, बहुत मजेदार है, रियली हैप्पी कि आज इसको देख पाया मैं, और ये एस्ट्रा भी मेरे को बहुत पसंद आया, ये एंड द फाइनेस्ट पिस्टल, आई एम रियली इंप्रेस्ड, मतलब ये एक तरीके का वॉल्थर के सिमिलर आप कह सकते हो, है ना। अब मैं एक तरफ भैया ने यहाँ पर वॉल्थर भी रखा हुआ, दिस इज द PPK, एंड आप देख सकते हो दोनों में सिमिलैरिटीज, मैं इसे दिखाता हूँ, बट द वॉल्थर इज स्मॉलर भैया, मोर कंसीलेबल, एग्जैक्टली, एंड कंसीलेबिलिटी का तो मैं नाम ही ना लूं, क्योंकि जो पिस्टल मैंने खरीदी है वो तो बिल्कुल नॉन कंसीलेबल है, इतना बड़ा पिस्तौल है गाइस, वो तो कहीं कैसे कैरी करूंगा यही सोच रहा हूँ मैं अभी, बट रियली बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ अ वॉल्थर PPK, दिस इज 7.65 mm, सेम 32 बोर, एंड इसमें भैया कितने शॉट की मैगजीन होती है, सेवन शॉट राइट, पर क्या स्मूथ है यार ये भी, ये तो फायर हुआ हुआ है, ये तो यूज लग रहा है, थोड़ा बहुत फायर हुआ हुआ है, हाँ बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हाँ, बट रियली नाइस वेपन, बहुत अमेजिंग, आई एम अ वॉल्थर फैन, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वॉल्थर, इससे ऊपर भी बहुत सारे वेपन्स हैं, दिस इज वन ऑफ CZ83 कलेक्शन व्हिच वी हैव, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल CZ83, जो वेबले का भी एक वेपन आ रहा है भैया फॉक्स, वो भी इसी पे बेस्ड है ना, थोड़ा सा उन्होंने यहाँ से उसका डिजाइन चेंज करा है, पूरा सेम डिजाइन नहीं बना सकते, पर वेबले ने अपना इंस्पिरेशन इससे लिया है, क्राफ्टमैनशिप कर रखा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी रेप्लिका है, बट हाँ इससे थोड़ा सा रिलेटेबल है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दिस इज 13+1, दिस इज 15 शॉट, 15 शॉट, एग्जैक्टली, डबल स्टैक, हाँ डबल स्टैक में आ गए, ओनली CZ83 इज द मॉडल जिसमें 15 कार्ट्रिजेस आते हैं, मेड इन चेकोस्लोवाकिया गाइस, ब्यूटीफुल वेपन, कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि सीजी तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भी एंथुसियास्ट होंगे, जो भी वीडियो देख रहे होंगे, मैगजीन को रिलीज करने के लिए इधर से भी बटन दबा सकते हैं एंड इधर से भी दबा सकते हैं, समझ गया, एम्बिडेक्स्ट्रस है, लेफ्टी और राइटी दोनों प्रेफरेंस वाले, जो आपका थंब इंप्रेशन होता है वो राइट इधर भी है, खांचा उधर भी है, उसमें सिंगल एक्शन होता है, यानी कि आपको एक बार स्लाइड ड्रैग करके
अब ऑब्वियसली मैगजीन खाली है तो ये पीछे लॉक हो जाएगी, तो ऐसे करके फिर आप फायर करते हो फिर वेपन चलता है। अब ऑब्वियसली मैं ड्राई फायर नहीं करूंगा वेपन को, बट इसमें डबल एक्शन भी है। अगर आपने गोली चेंबर में लोड करी हुई और आपने इसको डीकॉक कर दिया तो उसके बाद आप स्ट्रेट अवे इसको फायर कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ट्रिगर अगर दबाऊंगा तो ये देखो हैमर पीछे जा रहा है, और मैं ज्यादा दबा दूंगा तो ये फायर हो जाएगा। यानी कि इसको आपको स्लाइड करने की जरूरत है, इसमें डबल एक्शन है। एंड सिंगल एक्शन एक एग्जांपल दिखाना किसी में सिंगल एक्शन हो। गाइस अभी हमारे पास सिंगल एक्शन पिस्टल है नहीं, सिंगल एक्शन जब अभी मतलब निकालेंगे तब दिखाएंगे। एक चीज मैं बहुत अच्छी दिखाना चाह रहा हूँ, ये एस्ट्रा में गाइस इसमें डीकॉकर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने स्लाइड रैक कर दिया, अगर हैमर कॉक्ड है और बुलेट अभी चेंबर में है फॉर एग्जांपल स्लाइड कर दिया, तो उसके बाद आप वेपन को डीकॉक कर सकते हो। आपको कोई ये ड्रामा नहीं करना ऐसे वाला, मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो बट सिंपल है। ये देखो वेपन खुद डीकॉक, इसको डीकॉकर बोलते हैं। ये और भी आजकल के आप वेपन्स में भी आ रहा है, टॉरस वगैरह में भी आ रहा है, इसको वॉल्टर में भी है। बट दिस इज अ वेरी नाइस फीचर एंड वेरी गुड एंड हैंडी टू हैव। गाइस एक हमारे कैमरा में बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी तो हमने कैमरा चेंज करा, तो हो सकता है आपको वॉइस भी थोड़ी सी अब डिफरेंट लग रही हो, सो प्लीज डोंट माइंड। सो भैया ने एक बड़ी सही चीज निकाली है, भैया ने एक चीज बताई है कि अगर वॉल्टर का किसी का बजट नहीं है तो एक उसका रिप्लेसमेंट कह सकते हो, एक सेम कम बजट में आप ले सकते हो। ये वॉल्टर पीपीके सेम रेप्लिका पिस्टल है, वॉल्टर पीपीके और ये क्रॉस फायर है। दोनों पिस्टल को एक फ्रेम में देखेंगे तो जिसको नॉलेज नहीं है वो देख के बता नहीं सकते। भैया मेरे हिसाब से तो अगर ग्रिप्स भी चेंज कर दे तो भी इट इज वेरी सो इजी टू फूल समबडी हु इज नॉट नोन टू कंपनी क्लेम्स कि इसके कोई भी पार्ट को आप इस पिस्टल में और इसके किसी भी पार्ट को इस पिस्टल के साथ आप रिप्लेस कर सकते, बट ऐसा हम नहीं करेंगे गाइस क्योंकि इट इज वेरी लीक, बट दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर द ओनली, बट वेरी हैंडी यार, वेरी कंसीलेबल। अच्छा थोड़ा सा तो इन्होंने डिफरेंशिएट किया है भैया, जैसे सेरेशंस यहां बिल्कुल ही उसका 100% नहीं कर सकते, तो इसलिए इससे प्रभावित होके इन्होंने एग्जैक्टली exactly. और प्राइस भी 1/3 है, 1/3 तो नहीं कहूंगा 1/10 के बारे में, 1/10 है मतलब जितने की ये मिलेगी उतने में 8-10 ही आ जाएंगी। प्राइस के बारे में हम नहीं बात कर सकते, जो भी गन लाइसेंस होल्डर्स हैं वो हमारे अंकित भैया को फोन कर सकते हैं, आपको गूगल से भी नंबर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। प्लीज अनवांटेड कॉल्स मत करिए, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो कॉल मत करिए, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भैया से एयर गन्स ले सकते हैं। भैया के पास बहुत अच्छी एयर गन्स की कलेक्शन है एंड एयर राइफल्स की है एंड बीबी गन्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है, तो ये सारी आप पीछे देख सकते हैं अगर आप इंटरनेट से कोई निकाल के लाओ आपकी चॉइस की तो वो भी भैया आपके लिए मंगा सकते हैं। मैंने भैया से बहुत सारी एयर पिस्टल्स और एयर गन्स वगैरह खरीदी हुई है क्योंकि अब घर पे प्रैक्टिस वगैरह करनी है, उसमें आप रियल फायर आर्म से तो कर नहीं सकते, तो आपको एयर पिस्टल वगैरह से कर सकते हो अगर आप अपनी घर वाली रेंज पे, तो वो चीज बहुत बेनिफिशियल है। तो भाई बट जो जेन्युइन सीरियस बायर्स होंगे वही फोन करना भाई को, प्लीज बड़ा भाई है, तंग मत करना कॉल करके, और कोई मेरा नंबर नहीं मांगेगा भैया को फोन करके, मैं पहले ही बता रहा हूँ भैया मत। तो रियली इंप्रेस्ड विद दिस भैया। अब हम उस टेरिटरी में आ जाते हैं जिस टेरिटरी में हम आ चुके हैं, लेकिन ये सारी 32 बोर वगैरह अब ये थोड़ी सी साइड करते हैं। Let's bring the big boys in the frame. So भैया अभी हमारे को वेबली दिखा रहे हैं। So this is the वेबली पैंथर एंड ये एक मिड साइज 1911 है। Wow. सीरियसली रियली इम्प्रेसिव, रियली हेफ्टी, बहुत भारी है। एंड एक चीज मेरे को अच्छी लगी भैया, जो इन्हें अपने फुल साइज 1911 पे भी करनी चाहिए, विच इज दीज रबराइज ग्रिप्स। हो रहा है फुल साइज के ऊपर भी ऐसी रबराइज, अभी पॉलीमर ग्रिप्स देते हैं। ये फुल साइज वेबली का 1911 आप देख सकते हो, बट दोनों का डिफरेंस का माइंड यू अगेन गाइज, दीज वेपन्स आर एम्प्टी। सो दिस इज द फुल साइज 1911 एंड दिस इज द मिड साइज 1911 द पैंथर। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो भाई, साइज में बहुत फर्क है। 1911 वेबली एंड स्कॉट, यस दिस कम्स विद 5 इंचेस बार, दिस इज पैंथर, दिस कम्स विद 4 इंच बार। एंड दूसरे और ब्रांड्स में 3 इंच का भी तो आया चैंपियन 4-5 में, मतलब अभी वेबले पे हम बात करें, वेबले के अभी गाइस 1911 में 0.45 कैलिबर में दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है, फुल साइज 1911 एंड मिड साइज 1911, तो पैंथर एंड फुल साइज 911। मेरे को ये थोड़ा सा मैं चेकआउट करना चाहूंगा, इसमें जो रबराइज ग्रिप्स है इससे मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने वेस्टिंग पॉइंट्स दे रखे हैं ये बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल अगर इसको उस तरफ दीवार है गाइस, अगर आप मैं इसको ग्रिप करता हूँ बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ग्रिप कर पाते हैं एंड रियली गुड फील एंड दिस इज क्वाइट कंसीलेबल। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कंसीलेबल है, इससे तो ये बहुत ज्यादा कंसीलेबल है। एंड ये अपनी अपनी चॉइस है भाई, देखो अब किसी को बुलेट पसंद होती है, किसी को पल्सर पसंद होती है, तो वो अपनी अपनी चॉइस है एंड कौन किसको कैसे कैरी कर सकता है। बट अगर ये इसमें रबराइज ग्रिप्स दे दें तो भैया ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। वेरी सून दे आर कमिंग विद द सेम दिस काइंड ऑफ ग्रिप्स ऑन दिस 5 इंच। लव द ब्लूइंग ऑन दिस, बहुत अच्छी ब्लूइंग है। एंड ये कोल्ट गवर्नमेंट मॉडल पे बेस्ड नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मैं इसकी जो आप अगर स्लाइड देख सकते हो, ये थोड़ी सी स्क्वायर्ड ऑफ है उससे राउंड की जगह एंड थोड़ी सी साइड्स इसमें बेटर है। मल्होत्रा से वेबले स्कॉट ने अपना क्राफ्टमैनशिप इसके अंदर डज कर रखा है।
तो उनके इंजीनियर्स हैं, दे आर वेरी सुपर क्वालिफाइड इंजीनियर्स, तो उन्होंने उसी हिसाब से एग्जैक्टली आज के टाइम के हिसाब से 1911 जैसा होना चाहिए आज के हिसाब से वो है. एंड रियली इंप्रेस्ड विद द साइड्स गाइस. देखो रियर साइड कितनी अच्छी इसमें दे रखी है, फ्रंट साइड कितनी अच्छी दे रखी है. एंड आप अगर इसको अलाइन करो, मुझे पता नहीं कैमरा में दिख नहीं रहा, अगर अलाइन करो देखो कितना बढ़िया अलाइन हो रहा है. रियली इंप्रेस्ड विद द साइड्स. एंड आप देख सकते हो हॉलो करा हुआ हैमर है एंड हॉलो ट्रिगर है. बहुत मेरे को अच्छा लगा ये वेपन भी. एंड 4.5 कैलिबर और दो मैगजीन्स के साथ आता है, 7 शॉट ईच, 7+1 शॉट का वेपन है ये. रियली इंप्रेस्ड विद दिस. अब इसको जरा हम रख देते हैं. पैंथर भी बहुत अच्छा ऑप्शन गाइस, अगर किसी को 4.5 कैलिबर में पैंथर चाहिए हो, मिड साइज 1911 चाहिए हो, रियली गुड लुकिंग वेपन एंड रियली यू नो इजी टू कैरी, मतलब मच इजियर टू कैरी देन द वेपले. बट भैया अब इनको भी साइड करते हैं. अब जो हमने लिया जरा वो निकाल देते हैं. आओ भाई इनको रख देते हैं. सो गाइस फाइनली द मोमेंट इज हियर जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक करा था. माय न्यू वेपन, बहुत लोग एंटीसिपेट कर रहे थे मैं वेबले लूंगा या फिर मैं एमएसडी लूंगा. सो आई वेंट विद द एमएसडी गार्डियन 1911. मेरे अपने अलग रीजंस हैं गाइस, जैसे मैंने बताया किसी को जावा पसंद आ सकती है, किसी को बुलेट पसंद आ सकती है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है. दोनों वेपन्स बहुत ही बढ़िया है. मेरी प्रेफरेंस ये थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाला 1911 का स्टाइल ज्यादा पसंद है, थोड़ा सा मॉडर्न इतना स्टाइल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने लिया. लेट्स अनबॉक्स दिस बेबी. एंड माइंड यू मैं इसको पहले अनबॉक्स कर चुका हूं, तो जो ये मेरा रिएक्शन होगा ये फर्स्ट रिएक्शन नहीं होगा. तो मैं पहले इसको अनबॉक्स करके, हम इसकी ग्रिप्स भी ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं. तो दिस इज माय बेबी राइट हियर. ये साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ आती है एंड दे गिव एन एक्सटेंडेड मैग व्हिच इज रियली नाइस. ये वेबली नहीं करती बट हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वेबले वाले भी ये करने लग जाएं. तो दे गिव अ 10 शॉट मैगजीन एंड अ 7 शॉट मैगजीन विद अ वेपन. आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल एमएसडी की तरह नहीं दिख रहा होगा, इसमें मैंने ये पैक मायर के ग्रिप्स लगा रखे हैं. अंकित भैया मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एक नॉर्मल एमएसडी निकालना. तो ये पैक मायर के ग्रिप्स है, ये इंपोर्टेड ग्रिप्स है मेड इन द यूएस. ये मैंने चेंज करे हैं. ये वैसे 1911 जो एमएसडी मल्होत्रा सन्स का है वो ऐसा आता है, गार्डियन 1911, ये वाले G10 ग्रिप्स के साथ आता है. एंड रियली नाइस वेपन गाइस. सो ये आप कंपेयर करके वैसे एक बार देख सकते हैं. तो ये G10 ग्रिप्स के साथ कुछ ऐसा दिखता है एंड पैक मायर के ग्रिप्स के साथ ऐसा दिखता है. अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा. ये ग्रिप्स को लगाने का बेनिफिट ये है कि इसमें और अच्छी फिंगर रेस्ट है एंड और अच्छी ग्रिप आती है एंड इट इज वेरी यू नो स्टर्डी इन द हैंड. एंड सिंस इट्स अ 4.5 कैलिबर फुल साइज 1911 तो रिकॉइल इज बहुत तगड़ा, बहुत रिकॉइल है. बट सिंस आप इसको और बेटर ग्रिप कर सकते हो तो लिम्प रिस्टिंग इसमें कम होती है. एक लिम्प रिस्टिंग एक चीज होती है जो कि नए शूटर्स से बहुत ज्यादा होती है. तभी मैंने वेबले में भी अंकित भैया पॉइंट आउट किया कि ये बहुत अच्छी चीज दी हमने. सिंस 4.5 कैलिबर था और वो बैरल भी छोटा था, वो 4 इंच बैरल था, तो जितना बैरल छोटा होगा उतना रिकॉइल ज्यादा हो जाएगा. इसमें अगर आप ग्रिप करो तो आप देखो फिंगर रेस्ट नहीं है तो. बट अपने आप में ये ऐसे भी वेपन बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं आप चेंज ही करो. बट मैंने करा हुआ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी और बेटर ग्रिप पसंद है. सो दिस इज माय वेपन. अगर गाइज आप लोगों ने इसका रिव्यू देखना हो मेरा इनडेप्थ, तो इधर मैं स्क्रीन के राइट साइड पर लगा दूंगा, आप इधर क्लिक करके इस वेपन का फुल इनडेप्थ रिव्यू देख सकते हो. मैं दोबारा से चैनल पर रिव्यू नहीं करूंगा बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट, बट दिस इज द वेपन ओवर हियर. एंड एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा अपने वीडियो में गाइस. ये तो चलो मेरा फुल साइज 1911 हो गया एंड इसके अलावा एक बड़ी तगड़ी चीज है जो एमएसडी बनाते हैं. सो दिस इज द एमएसडी चैंपियन. तो अगर देखो मैंने आपको बताया कि जो मैंने वेपन लिया है दिस इज नॉट एट ऑल कंसीलेबल. एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो हमारा सिद्धू मूसेवाला वीर था भाई के पास भी सेम 1911 ही थी, मतलब ऑब्वियसली दैट वाज अ इथाका एंड दिस इज अ मल्होत्रा सन. तो 1911 पिस्टल सेम थी बट डिफरेंट ब्रांड्स, वो इंपोर्टेड थी एंड वो इथाका थी एंड दिस इज मेड इन इंडिया. आप एक बार मैं यहाँ पर अगर वेपन के दिखाऊं तो प्राउडली मेड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा है प्राउडली, और इन्हें ऐड करना चाहिए यहाँ पर. बट दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 4.5 पिस्टल्स है ना भैया जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी, तो इसलिए प्राउडली मेड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया. एंड हमारे सिद्धू मूसेवाला भाई के पास भी 1911 था, वहीं से ही आई थिंक मेरे को 1911 की तरफ बहुत प्यार और आकर्षण थोड़ा हुआ था. इंडिया में पहले 0.45 वाज अ प्रोहिबिटेड बोर एग्जैक्टली 2016 में अमेंडमेंट के बाद जो चेंज हुए थे उसके अंदर 0.45 को परमिसिबल कैटेगरी में डाल दिया था. दैट इज व्हाई मल्होत्रा ने जब पिस्टल स्टार्ट करे थे तो स्टार्टिंग में 0.45 से स्टार्ट किया था. दैट इज रियली दिस इज वन ऑफ अ कैलिबर जिसका बुलेट्स का इंपोर्ट इज allowed from outside. Okay, okay. And the US police also uses 4.5 cal, 4.0 cal, Glock वगैरह में 1911. 1911 तो police force use नहीं करती. But guys, ये 1911 pistol ने दो world war जिताए हैं US को. Browning ने ऐसा design बनाया है ये कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है. हर चीज functional है. अब आप मेरा वो in-depth review देख सकते हो. उसमें मैंने सारी चीज explain करी है. Cocked and locked जो term है वो इसी pistol के बाद से है. And mind you, तो pistol is empty. तो मैं आपको करके दिखाता हूँ. This is cocked and ये इसकी safety है. तो cocked and locked इसको बोलते हैं. And
ब्राउनिंग ने ऐसा डिजाइन बनाया था ना, आप देखो एक सिंगल हैंड में आपने चेंबर में अगर बुलेट है आपने सिर्फ इसी हाथ से अंगूठे से नीचे करा एंड यू कैन फायर द वेपन। तो बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है, बहुत ही अर्गोनॉमिक है एंड ऐसे ही इस वेपन ने दो वर्ल्ड वॉर नहीं जिताए, इसमें एक्चुअली में दम है। एंड जो MSD ने करा है भाई, मैंने आपको बताया दिस इज नॉट अ कंसीलेबल वेपन, थोड़ा सा दिखता है एंड ये थोड़ा सा आपके कपड़ों पे भी प्रिंट करता है, मतलब ये वेपन आपके पास है तो दिखता है कि आपके पास वेपन है। बट 4-5 कैलिबर में दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग जो ये चैंपियन इन्होंने बनाया ना गाइस, दिस इज अ ब्यूटी। 4-5 कैलिबर एंड कंसीलेबिलिटी 3-2 के पिस्टल की, बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है इसका भी। मेरे आप वो जो वीडियो क्लिक करोगे उसमें मैंने चैंपियन का भी रिव्यू करा हुआ, आपको मिल जाएगा उसमें। एंड मैं इसका एक बार आपको बैरल दिखाना चाहूंगा, द वेपन इज एम्प्टी गाइस, ठीक है, मैं आपको एक बार इसका बैरल दिखाना चाहूंगा। आप देखो इसमें ये बुल बैरल का थोड़ा सा इन्होंने डिजाइन दिया है एंड ये जान के इन्होंने ऐसा किया है टू रिड्यूस द रिकॉइल, क्योंकि मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था जितना आपका बैरल छोटा होता जाएगा उतना आपका रिकॉइल बढ़ता जाएगा एंड सिर्फ एक 3 इंच का बैरल एंड 4-5 का कैलिबर, तो रिकॉइल बहुत ही माइंड ब्लोइंग हो जाता है, उसकी वजह से इन्होंने ये बुल डिजाइन इसमें दिया है विच इज रियली नाइस टू कंट्रोल द रिकॉइल। एंड उसके अलावा भाई इसमें स्प्रिंग भी, आई थिंक डबल स्प्रिंग इसमें दिया हुआ है ना टू कंट्रोल द रिकॉइल, बिकॉज रिकॉइल इज समथिंग रियली स्केरी गाइज, क्योंकि आपका पहला राउंड तो आपकी जो निशाना है उस पर लैंड हो जाएगा सेल्फ डिफेंस की सिचुएशन में, सेकंड राउंड लैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एकदम हिल जाता है वेपन जो हो जाता है, नए शूटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने तो चलो सीजन शूटर हो गए अब तो एंटिसिपेट कर लेते हैं हम, बट नए शूटर्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो उन्होंने ये डिजाइन दिया, रियली अमेजिंग, वेरी स्मूथ वेपन। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहूंगा, हां जी, वेबले स्कॉट इज आल्सो मेकिंग पॉइंट ये 3.45 का पिस्टल इन दिस साइज। अच्छा बना रहे हैं अभी ये गाइस, अभी मैं मन में यही सोच रहा था, अच्छा मल्होत्रा सन क्या करते हैं, फुल साइज बनाते हैं, स्मॉल साइज बनाते हैं, जैसा आपने वेबले पैंथर देखा मिड साइज बनाते हैं, तीनों बनाते हैं। मैं इनफैक्ट भैया से पूछने लगा था वेबले तीनों क्यों नहीं बना रहे, वेबले सिर्फ मिड साइज और लार्ज साइज बना रहे हैं, अब भैया ने बता ही दिया कि स्मॉल साइज भी बना रहे हैं। ऑलमोस्ट बन चुका है, अभी वो इलेक्शंस की वजह से वो मार्केट में नहीं आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली जून में जैसे इलेक्शंस खत्म होंगे वेबले 0.45 3 इंचेस बैरल मार्केट में हिट कर जाएगा। हाँ। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज, ये जो है ये कोल्ट गवर्नमेंट A1 मॉडल का बिल्कुल हूबहू रेप्लिका है, सेम टॉलरेंसेस हैं, जो भैया ने बात करी उसके पार्ट्स इसमें लगा सकते हो तो भी ये चलेगा, इसके पार्ट्स इसमें लगा सकते हो तो भी ये चलेगा। एंड ऑब्वियसली ये करना नहीं कभी भी भाई, बहुत इलीगल है, आपके हर पार्ट पे आपका गन नंबर होता है, तो वो चीज आप ध्यान में रखिएगा। एंड मैं अब एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, बट जो इनकी जो टॉलरेंसेज है ना, यानी कि जो गैप्स है इनके मूविंग पार्ट्स में, वो भी बहुत कम था, आई थिंक 2 mm था या पता नहीं 20 mm था, बहुत कम था, मैं भूल गया, बट वो वाला वीडियो अगर आप लोग देखोगे आपको इन डेप्थ रिव्यू मिल जाएगा। क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग जो करी है बहुत ही अमेजिंग है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि सिंस आई एम अ गन एंथुसियास्ट, आई लव फायरआर्म्स, आई लव वेपन्स, एंड मेरे जैसे लाखों लोग हैं इस देश में जो कि शौक रखते हैं, लाइसेंसेस रखते हैं एंड जिन्हें सेल्फ डिफेंस की एक्चुअली में नीड भी है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मैगजीन्स है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वेपन्स आप बहुत अच्छे बना रहे हो, वेबले भी, MSD भी एंड जितने और मैन्युफैक्चरर्स हैं, वेपन्स सबके अमेजिंग है, प्लीज मैगजीन की थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करो, मैगजीन पे भी थोड़ा यू नो R&D का पैसा खर्च करो, थोड़े अच्छे स्प्रिंग्स लगाओ। मेरा पर्सनल रिव्यू है, स्प्रिंग्स सबके, मैं लो क्वालिटी तो नहीं कहता हूँ पर अप टू द मार्क नहीं है, प्लीज गाइस स्प्रिंग्स की भी क्वालिटी इंप्रूव करो, मैगजीन्स की क्वालिटी बेसिकली इंप्रूव करो, वेपन्स आप लोग सारे बहुत अच्छे बना रहे हो, वेबले भी बहुत अच्छा बना रहा है, MSD भी बहुत अच्छा बना रहा है, जो नए वेपन्स आ रहे हैं सारे बहुत अच्छे बना रहे हैं। बढ़िया, मेरी छोटी सी शिकायत है, क्या पता मेरे वीडियो देखने के बाद इंप्रूव हो जाए क्वालिटी। एंड सेम चीज मैं आपको कहूंगा, वेबले लेना या फिर MSD लेना आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है एंड बाकी अंकित भाई हैं ही, वो आपको गाइड कर देंगे आपकी यूसेज के हिसाब से। तो मेरे को ये वाली लुक थोड़ी ओल्ड स्कूल वाली लुक ज्यादा पसंद थी, इसलिए आई वेंट विद दिस, किसी को थोड़ी मॉडर्न लुक पसंद है तो वो वेबली के साथ आ सकता है। तो दिस वॉज अ चैंपियन एंड मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया एक बार आप वेबली अगर और बाहर निकालोगे तो मैं साथ में MSD और वेबली बड़ी वाली दोनों को ऑडियंस को दिखा दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये कोल्ट गवर्नमेंट A1 मॉडल का हुबहू रेप्लिका है, ये जो गार्डियन 911 है वैसे ही एक कोल्ट डिफेंडर का हुबहू रेप्लिका है। एंड मेरे को भैया एक चीज जो लगी है, इसकी जो फिनिशिंग है वो इससे मुझे बेटर लगी है थोड़ी सी, दोनों की अपनी अलग लुक, ये थोड़ा मॉडर्न है, ये इनकी पुराना टेक्नोलॉजी हो गई, ये अब नई टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे आगे और वर्जन आते रहेंगे और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहेगी। सो दीज आर ऑल द वेपन्स ओवर हियर। तो जो मैं मेन दो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये सवाल एज अ बायर मेरे मन में बहुत ज्यादा था, मैंने इतनी रिसर्च करी इन पे, लेना 1911 ही था कि वेब ले लूं या फिर मैं MSD लूं, तो ये जो डाउट मेरे दिमाग में, इतना टाइम खराब करा, इतनी रिसर्च करी इन दोनों वेपन्स पे, बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे, अंकित भैया का भी बहुत टाइम लिया और अपने फ्रेंड्स का भी लिया, एंड उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये वाला लूंगा। बट सेम मैं जैसे बोलूंगा कि दोनों की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है, मेरे को इसकी पर्सनली लुक थोड़ी ज्यादा पसंद थी इसलिए मैंने ये वाला लिया, एंड इसकी भी आप लोग लुक देख सकते हो, इस पर ब्लूइंग फिनिश है, इस पर सेराकोट फिनिश है। Exactly. हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर वेपन्स हैं, बहुत स्टर्डी हैं दोनों। एंड ये वेपन देखो हमेशा ऐसा खरीदना चाहिए जो आपके मजबूरी के टाइम पर, आपके सेल्फ डिफेंस के टाइम पर आपका साथ दे, एंड ये दोनों वेपन्स एग्जैक्टली ऐसे ही हैं, ये आपको धोखा नहीं देंगे, ये आपके मजबूरी के टाइम पर आपका हमेशा साथ देंगे, तो वेपन एक ही बार देख के लेना चाहिए। इसीलिए
बहुत सोच समझ कर वेपन परचेज करें जब भी आप परचेज करें, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि शौक की भी चीज हो सकती है, पैशन की भी चीज हो सकती है लोगों के लिए, बट जैसे मेरे लिए है एंड मेरे जैसे और कई सारे लोग हैं जिनके लिए एक्चुअली में सेल्फ डिफेंस की चीज है, सो ये चीज बहुत जरूरी है एंड दिस इज माय सेल्फ डिफेंस पिस्टल, तो दिस इज व्हाट आई हैव चोजन। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, जब आप MSD खरीदते हो तो उसके साथ बस एक सिंपल सा ब्रश आता है क्लीनिंग के लिए, क्योंकि देखो वेपन्स को क्लीन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल ऑयल्ड रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। और वेबले के साथ देखो ये पूरी क्लीनिंग किट आती है जिसमें कि एक सॉफ्ट ब्रश है, एक हार्ड ब्रश है एंड ये इसकी बाकी की पूरी किट है, कार्ट्रिज हाँ लोडर भी है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर किसी को इशू हो रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 7 शॉट मैगजीन है तो 5 शॉट तक तो ये स्मूथ चलेगी, पर 6 और 7वां शॉट थोड़ा सा टफ हो जाता है डालना, तो उसमें ये काम आता है, आप इसको बस मैगजीन पर लगाओ ऐसे, इसको दबाओ, अपना राउंड फीड करो, इसको छोड़ो, फिर दूसरा राउंड फीड करो, फिर छोड़ो, फिर तीसरा राउंड फीड करो, छोड़ो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये मैं एक काम करता हूँ, मैं अंकित जैसे चुरा लेता हूँ, साइड रख लेता हूँ, ये हमारा हो गया उत्सव, ठीक है, इसमें आ गया, ये वेबले के साथ मिलेगा, हाँ वेबले के साथ आता है, तभी तो मल्होत्रा खरीदने पे चुराना पड़ रहा है तो वेबले खरीदने का भाई वन मोर रीजन, अगर किसी को एक्सेसरीज वगैरह है MSD में भी इनका एक मॉडल आता है ना पनिशर अगर आप खरीदो उसमें भी ये साथ में आता है, तो ये सारी चीजें, बट दिस इज समथिंग रियली नाइस, ये मैं जेन्युइन चुरा चुका हूँ, क्योंकि आपको वापस ही मिल रहा है, इतना आ गया। अंकित भैया थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड किसी को भी भाई किसी भी तरीके का एयर गन या कोई भी चाहिए हो तो यू कैन हिट माय बिग ब्रदर अप, एंड टाइम टू गो, लेट्स पैक आवर बेबी एंड लेट्स टेक इट होम। कोई यार होल्स्टर वगैरह कुछ अच्छा बताओ ना, अब इसको कंसील कैरी करे इसके बंदा इतने बड़े वेपन को, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। चलो ठीक है, अंकित भैया ने टाल दिया फटाफट, तो दिस इज आर बेबी गाइज एंड लेट्स सी कि इतने बड़े वेपन को कंसील कैरी करके कैसे घूमना बहुत टफ होने वाला है, बट इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड आई जस्ट कांट वेट टू हिट द रेंज विद दिस एंड टेस्ट इट आउट कि ये कैसा परफॉर्म करता है, एंड इसका रेंज का फायरिंग वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन टीम, तक यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन टीम, तक यार बाय।